क्या आपके सिस्टम में बार बार ये F1 एरर आ रहा है या डेड टाइम सेव नहीं हो रहा है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम जैसे ही सिस्टम को ऑन करते हैं, हमारे सिस्टम में ये डायरेक्ट F1 एरर आ जा रहा है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो कंप्यूटर पे मदरबोर्ड रहता है, हम इसका बैटरी या सीमोस बैटरी जो है 2032 वाला, इसको चेंज कर लेंगे। तो हम सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। तो हम सिस्टम पहले बंद कर लेंगे, हम अपना शट डाउन कर लेंगे। शट डाउन करने के बाद हम इस बैटरी को रिमूव कर लेंगे। हम ये बैटरी चेंज कर लेंगे, इसका नंबर है बीस बत्तीस। तो हम ये बैटरी दूसरा लगा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम हमारे में प्रॉब्लम आ रहा है नहीं। हम एक नया बैटरी लगा लेंगे, हम उसके बाद चालू करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले तो डेड टाइम में चले जाएंगे, बायोस में जाके या डायरेक्ट विंडो ओपन करके भी हम ओपन कर सकते हैं। तो हम ये चले जाते हैं, अपना डेड टाइम चेंज कर लेते हैं, 9वां मंथ 24 तारीख 2023, इस प्रकार टाइम हो रहा है 32:30। इस प्रकार हम इसको सेव कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा जो डेड टाइम वाला एरर है वो आ रहा है या नहीं। इस प्रकार हमारा कंप्यूटर चालू हो गया है और ये F1 एरर आ रहा है। अब F1 एरर को हटाने के लिए भी हम यहाँ पास एक और रहता है, हम यहीं ओपन कर लेते हैं इसको। इस प्रकार हम बायोस में चले जाएंगे और यहाँ से डेट टाइम तो सेव हो गया है। अब हम F1 एरर को भी हटा देंगे। F1 एरर हटाने के लिए हम बायोस बूट में जाके हम जो F1 एरर आ रहा है उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ चले जाते हैं बायोस बूट पे, बूट का ऑप्शन है, यहाँ से हम बूट सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन, यह सब में अलग अलग दिया रहता है। हम यहाँ देखते हैं, यहाँ F1 लिखा रहेगा, ये F1 एरर जो लिखा रहेगा इसी को इनेबल है उसको डिसेबल कर देंगे हम। इस प्रकार डिसेबल करके F10 मार के सेव कर लेंगे और बाहर चले जाएंगे। उसके बाद देखते हैं हम कि हमारा F1 एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस प्रकार डेट टाइम के लिए भी बैटरी चेंज करेंगे और F1 के लिए भी सीमोस बैटरी चेंज करेंगे। उसके बाद ये इस प्रकार हमारा ये हट गया है, डायरेक्ट बूट हो गया हमारा। इस प्रकार हमारा डायरेक्ट बूट हो गया है और F1 और डेट टाइम वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।